तो हाय एवरीवन, दिस इज जाबाज तोफिक, सेकेंड ईयर एमबीबीएस एसएमसीएच। आई नो काफ़ी वीडियोस मतलब मिस हो गए हैं कुछ, पर अभी जो मुद्दा है उस पर बात करते हैं। नीट 2024 आसाम के लिए जो लाइक काउंसलिंग है वो चल रहा है, चॉइस फिलिंग का टाइम भी हो चुका है। कल से चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो गया था 24th से, आज 25 है। आई नो सो इस बीच सीट मैट्रिक्स भी आ गया है, जो लेटेस्ट सीट मैट्रिक्स है आसाम के नीट 2024 के रिगार्डिंग, और उसके बाद चॉइस फिलिंग ऑर्डर भी आप लोगों को कैसे फिलअप करना है इस वीडियो को देखकर आपको पूरा समझ में आ जाएगा। सो देख लेना प्लीज़, एंड जो लिंक टू चॉइस फिलिंग है वो भी कैसे करना है मैं बता के दे दूंगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। सो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इंस्टाग्राम और वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से देख लेना, अभी मैं वीडियो में नहीं दे रहा हूं, ठीक है। सो सीट मैट्रिक्स जो है आसाम का नीट 2024 का, दिस इज इट। सो काफी अच्छे से दिया गया है, सारे कॉलेजेस को इंक्लूड किया है इधर, और जो क्या बोलते हैं उसे, हमारा 300 मेडिकल कॉलेज भी है उसे भी इंक्लूड किया है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको सिर्फ यहां देखना है कि टोटल 1600 सीट्स है, देख सकते हो कि टोटल 200-225, ये सब सेम ही है लास्ट ईयर के कंपेरिजन में, और बाकी देख लेना ऑल इंडिया कोटा के इतने सीट्स है। इसमें एक चीज ये इंपॉर्टेंट है कि जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट एक्सेप्ट आसाम है उसमें जीरो सीट्स दिया गया है, सिर्फ मेघालय और नागालैंड में अभी सीट्स है, और बाकी नॉर्थ ईस्ट कोटा के लिए कोई भी सीट्स नहीं दिया गया है। सेंट्रल पूल के लिए 6 सीट्स है, और इधर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि स्टेट कोटा जो है उसमें 85% सीट्स होता है, उसमें 1336 सीट्स दिया गया है ऑलराइट स्टेट कोटा में, और एनआरआई के लिए सपोजिटली 42 सीट्स दिया गया है। और उसमें भी एक दूसरा रूलिंग है कि एनआरआई का मतलब ऐसा भी हो सकता है कि एनआरआई का जो सीट्स है वो यूज में ना भी आए, बिकॉज इधर लिखा हुआ है द एनआरआई सीट्स शैल नॉट बी फिल्ड इन फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग एज ए मैटर ऑफ एडमिशन इन एनआरआई सीट्स इज सब्जुडाइज एट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हाउएवर द डिसीजन विल बी टेकन बिफोर सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग। सो एनआरआई का जो केस है कि ये रिजर्वेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट में अभी भी पेंडिंग है या चैलेंजिंग है, इसका डिसीजन सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के पहले आ जाएगा ये लोग बोल रहे हैं, इसीलिए फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में इसका कोई भी सीट नहीं दिया जाएगा। और अगर डेफिनेटली इसका अगर मतलब ऐसा आ गया कि एनआरआई कोटा को नल एंड वॉइड कर दिया, तब ये 42 सीट्स जनरल ईडब्ल्यूएस सारे कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ऑलराइट। ये ऑलरेडी रूल दिया गया था। अब देखो ओबीसी एनसीआर में 283 सीट्स है, और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है ईडब्ल्यूएस में 6% है सीट्स है एमबीबीएस के लिए, जो इक्वल टू 80 सीट्स होता है, ठीक है। और उसके बाद आप देख सकते हो कि 5% आसाम स्टेट गवर्नमेंट स्कूल कोटा दिया गया था वो 67 सीट्स का है, और इधर देख सकते हो कि हर एक कॉलेज में ईडब्ल्यूएस का सीट्स है और हर एक कॉलेज में गवर्नमेंट स्कूल कोटा का सीट्स है। तो मैंने ये आप लोगों को बताया था कि हर एक कॉलेज में ईडब्ल्यूएस का सीट दिया जाएगा, एंड दैट इज़ इट, ऑलराइट, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो हम चलते हैं एक्चुअल सीट मैट्रिक्स में। टोटल 1600 सीट्स है, 15% ऑल इंडिया कोटा के, तो 241 सीट दिया गया है इस साल, अदर्स 23 सीट्स है, देख लेना। 85% स्टेट कोटा बता दिया है मैंने, 1336 सीट्स। एनआरआई कोटा सारे कॉलेजेस में दिया गया है, हाँ एनआरआई कोटा सारे कॉलेजेस में है, ये जीएमसी एएमसी में 5-5 और बाकी सब में 3-3-3-3 और बीच में एक में 2 सीट्स दिया गया है, ठीक है। तो लेकिन ये श्योर नहीं है, डेफिनेटली बोल दिया हूँ मैंने क्यों, जनरल के लिए 558 सीट्स, जनरल के लिए काफ़ी सीट्स है। पहले हम लोग को लगा था कि 500 तक आ सकता है, लेकिन नहीं, जनरल के लिए काफ़ी सारे सीट्स दिया गया है 558। सो दिस कैन बी सम फैक्टर रिगार्डिंग, ये कट ऑफ में एक फैक्टर होने वाला है जो मैं अगले वीडियो में बात करूंगा, ठीक है। ओबीसी एनसीएल के लिए टोटल 361 सीट्स, एससी एसटी प्लेन्स एसटी हिल्स के लिए देख लेना मैंने अच्छे से लिख रखा है, और गवर्नमेंट स्कूल कोटा के लिए डेफिनेटली देख लेना, स्पेशल कोटा के लिए 20 सीट्स। ये जो गवर्नमेंट स्कूल कोटा है ये स्पेशल कैटेगरी के अंडर ही दिया गया है, डेफिनेटली यही मतलब ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के अंडर आता है। इसका मतलब क्या है कि ये अलग से कोई रिजर्वेशन नहीं है। सपोज आपका जनरल कैटेगरी है और आपके पास गवर्नमेंट स्कूल कोटा है, तो आपका दोनों ये मतलब गवर्नमेंट स्कूल कोटा का रिजर्वेशन लग जाएगा, और आपको उसके अकॉर्डिंग उसके रैंक के अकॉर्डिंग मतलब गवर्नमेंट स्कूल कोटा में जनरल का आपका कितना रैंक है उसके अकॉर्डिंग आपको आपका सीट में डिस्ट्रीब्यूशन करके आपको सीट मिल जाएगा। सपोज आपका ओबीसी है, ओबीसी में आपको मोरन भी है, मोरन में आपको भी गवर्नमेंट स्कूल कोटा मिल सकता है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। अगर आपका मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आपको आपका ओबीसी एनसीएल कोटा है, ओबीसी एनसीएल में आपका कोच राजवंशी कोटा है, कोच राजवंशी कोटा के कोटा के अलावा आपके पास एक्स सर्विसमैन कोटा भी है, तो ये दोनों आपको मिल सकता है। मतलब इन दोनों का एडवांटेज देख के आपको सीट दिया जाएगा, अगर आपका मार्क्स बहुत ही ज़्यादा कम है तो ये दोनों अप्लाई करके आप सीट ला सकते हैं। सो मतलब बहुत एडवांटेजेस है इफ़ यू ट्राई टू डू इट। अब इन सब की बात छोड़ो, अभी चॉइस फिलिंग की बात करते हैं, दैट इज़ द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग। चॉइस फिलिंग जो है, हाँ चॉइस फिलिंग करने के से पहले एक चीज़ मैं बता देता हूँ बस, कि एमसीसी का ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जो काउंसलिंग हुआ था उसका राउंड वन का रिजल्ट डेफिनेटली आ चुका है, आप सब लोगों को ऑलरेडी पता चल ही गया होगा, पर फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ कि जनरल के लिए कट ऑफ गया था 660 मार्क्स और एआईआर था 19603, ऑलमोस्ट 19600 रैंक था, और उसमें लास्ट कॉलेज जो मिला था वो नीम्स नागालैंड है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के लिए 654 गया था, 23000 रैंक, जीएमसी कल
कोची इट इज इन तमिलनाडु। ओबीसी के लिए 658 गया था, इट्स 20,200 रैंक। और नीम्स नागालैंड फिर से एससी के लिए 575, ऑलमोस्ट 1,05,000 रैंक गया था, और उसमें भी जोराम मेडिकल कॉलेज मिजोराम मिला था। और एसटी प्लेन्स के लिए 544, 1,45,000, और उसमें तमिलनाडु का एक नया जो गवर्नमेंट पीएमसी कॉलेज है वो मिला था। ठीक है, अब देखो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, अराउंड 70 स्टूडेंट्स जो है वो लोगों ने आसाम से मतलब बहुत सारे लोगों ने मतलब डेफिनेटली एमसीसी में कोई भी अप्लाई कर सकता है, ऑल इंडिया कोटा के थ्रू कोई भी अप्लाई कर सकता है। तो मैंने लाइक मैंने एंटिसिपेट किया था कि आसाम से भी बहुत लोग अप्लाई करेंगे, बिकॉज उनका मार्क्स भी हाई है 680 प्लस वाले। सो ऐसा क्या हुआ है कि 70 प्लस स्टूडेंट्स ने आसाम के थ्रू ऑलमोस्ट मतलब 70 प्लस स्टूडेंट को आसाम के थ्रू मतलब आसाम के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ऑल इंडिया कोटा के थ्रू कॉलेज मिला है। ठीक है, उससे भी ज़्यादा हो सकता है, पर ये मैं एक एस्टिमेट पकड़ रहा हूँ। ठीक है, मतलब मैंने एक्जैक्टली देखा नहीं है, मैं अगले वीडियो में ये अच्छे से बता दूंगा। ठीक है, अब इन लोगों को क्या क्या कॉलेज मिला है, जीएमसी, एएमसी और एसएमसी मिला है। ठीक है, तो ये मतलब इन तीन कॉलेजेस के बारे में बात कर रहा हूँ, बिकॉज इन तीन कॉलेजेस में इन लोगों का एडमिशन लेने का चांसेस है, इसीलिए बात कर रहा हूँ। ठीक है, वरना इन बाकी जो कॉलेज है उनमें चांस कम है, इसलिए बात नहीं कर रहा हूँ अभी, बिकॉज अभी वो लोग अपग्रेड करेंगे। अपग्रेड करने के बाद वो सीट, सपोज किसी को नलबाड़ी मेडिकल कॉलेज मिला है, वो अपग्रेड करेगा, उसके बाद उसका कोई और कॉलेज मिलेगा, वो नलबाड़ी का सीट निकल जाएगा। सो ठीक है, राउंड 3 राउंड 2 में बात करेंगे उन चीज़ों के बारे में। सो अभी इन लोगों को ऑल इंडिया कोटा के थ्रू मिल गया है और ये लोग एडमिशन ले सकते हैं। तो क्या होगा कि जिसकी वजह से लाइक बोल सकते हो कि एक वैकेंट स्पेस आ गया है, हो सकता है कि राउंड 1 में कुछ लोग पार्टिसिपेट ना करें, पर अब उन लोग का खुद का डिसीशन है। अब देखो, अगर तुम्हें ऑलरेडी जीएमसी के मतलब ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जीएमसी मिल रहा है, तो तुम स्टेट कोटा के थ्रू लेकर क्या करोगे? दोनों का ही सेम है, मतलब कोई डिफरेंस नहीं है, फीस भी सेम है, पीजी कोटा भी सेम है, एमबीबीएस में रिजर्वेशन, मतलब जब ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज सेम, नथिंग इज डिफरेंट, जस्ट डेट्स डिफरेंट है। ठीक है, अब देखो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो उसके बारे में बात करते हैं, ऑलरेडी वीडियो लंबा हो जाएगा वरना। फिर डीएमई आसाम के वेबसाइट में जाकर लिंक फॉर चॉइस फिलिंग पे क्लिक करोगे, जिसके बाद ये लिंक ओपन हो जाएगा, लिंक फॉर चॉइस फिलिंग, उसके बाद इस क्लिक हियर फॉर चॉइस फिलिंग, इस पर क्लिक करोगे। ठीक है, इसके बाद ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, जिसके बाद तुम लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद क्या होगा, अब उसके बाद क्या होगा, ये एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा, देख सकते हो कि तुम्हारा क्लिक करने के बाद फटाफट एक प्रेफरेंस का मतलब जो इंटरफेस है वो ओपन हो जाएगा, जिसमें प्रेफरेंस 1, 2, 3, 4 ऐसे तुम्हें खुद बनाने होंगे। ठीक है, जो 102 है वो गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज है, 101 एएमसी है, 104 मतलब ऐसे जोरहाट, 103 एसएमसी है। ठीक है, 106 5 सब ये सब मतलब लिखा रहेगा तुम्हें, मतलब ऑलरेडी वो नोटिफिकेशन में लिखा रहेगा, उस इस वाले नोटिफिकेशन में देख सकते हो यहाँ पर लिखा रहेगा। ठीक है, सेकंड इंस्ट्रक्शंस में लिखा रहेगा कौन सा, ये देखो इंस्ट्रक्शंस में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि कौन सा किस चीज़ का प्रेफरेंस है, स्क्रीनशॉट रख लेना, कोई दिक्कत नहीं होगा। एंड उस अकॉर्डिंग तुम्हें फिलअप करना होगा, फिलअप करने का चॉइस जो है मतलब चॉइस फिलिंग जो है वो मैं अभी तुम लोगों को बता दूंगा, पर फिलअप करने के बाद देखो इस टाइप का फॉर्मेट में आ जाएगा। ठीक है, ये लास्ट ईयर का है और इस टाइप के फॉर्मेट में तुम्हारा प्रेफरेंस आ जाएगा, ये प्रिंट आउट करवा के रख लेना। ठीक है, अब उसके बाद चॉइस फिलिंग के बारे में बात करेंगे, चॉइस फिलिंग कैसे करना है, मतलब चॉइस फिलिंग अकॉर्डिंग टू व्हाट विल बी इन योर बेस्ट इंटरेस्ट। सो फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए करना है, डेफिनेटली ओल्ड या न्यू मेडिकल कॉलेज किस में जाना है तुम्हें, डेफिनेटली ओल्ड मेडिकल कॉलेज प्रीफर किया जाता है, पर फिर भी हम देखते हैं पेशेंट लोड, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, पेशेंट आते हैं कि नहीं उस कॉलेज में। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, एक सेकेंड, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बाद डिस्टेंस फ्रॉम होम। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जिसकी वजह से कभी कभी लोग अच्छा कॉलेज होते हुए भी दूर का कॉलेज नहीं लेते हैं। ठीक है, अब आसाम में मेडिकल कॉलेज है कितने, 13 मेडिकल कॉलेज है इस साल, जीएमसी गुवाहाटी में है, एएमसी डिब्रूगढ़ में है, एसएमसी सिलचर में है, जेएमसी जोरहाट, तेजपुर, ये है तेजपुर मेडिकल कॉलेज, एफएएमसी जो है बरपेटा में। ठीक है, डीएमसी डिफू है लखीमपुर, धुबरी, नौगांव, नालबाड़ी, कोकड़ाजार, तिनसुकिया। ठीक है, तिनसुकिया इज न्यू मेडिकल कॉलेज, मतलब इसमें नया बैच ऑफ स्टूडेंट्स जाएगा इस साल। अब सबसे पहले हम ओल्ड मेडिकल कॉलेजेस की बात करेंगे, बिकॉज डेफिनेटली यही सारे प्रेफरेंस में सबसे फर्स्ट रहता है, और मैं भी आप लोगों को बोलूँगा कि सबसे फर्स्ट में ओल्ड मेडिकल कॉलेजेस को ही रखना। ठीक है, सो सबसे लाइक जी डेफिनेटली एएमसी इज द ओल्डेस्ट मेडिकल कॉलेज ऑफ आसाम 1948 में, उसके बाद जीएमसी 1960 और उसके बाद एएसएमसी 1968, पर बिकॉज जीएमसी इज इन द सिटी गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज, एकदम गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में हार्ट में लोकेटेड है, उसकी वजह से जीएमसी को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, और सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट और सबसे ज़्यादा मेडिकल में जो भी फैसिलिटीज़ होता है सबसे पहले जीएमसी में ही आता है। सारे डिपार्टमेंट्स ऑलमोस्ट पीजी वाले सारे डिपार्टमेंट्स और सुपर स्पेशलिटी जितने भी मतलब गवर्नमेंट मेडिकल फैसिलिटीज में है सबसे ज्यादा जीएमसी में ही है। सारा कोई क्रिटिकल केस होता है वो जीएमसी में प्रिफर मतलब रेफर किया जाता है, इसीलिए मतलब इसे सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है चॉइस फिलिंग में भी। सबसे मतलब ओल्ड मेडिकल कॉलेज में भी नंबर 2 है, और सबसे ज्यादा पेशेंट लोड पूरे आसाम में इस कॉलेज में ही है। सो एवरी टाइप ऑफ केस विल फाइंड हियर, पर डेफिनेटली इसका इंफ्रास्ट्रक्चर ओल्ड है, पर फिर भी इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया गया है। ऑलमोस्ट लास्ट ईयर मतलब लास्ट ईयर के उस ईयर ही 5,000 करोड़
करोड़ का इन्वेस्टमेंट मतलब लाइक नोटिफाई कर दिया था इसके लिए। उसके बाद मोस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट्स आर फंक्शनिंग। उसके बाद हॉस्टल भी सेपरेट है, हॉस्टल भी सारे यूजी के लिए अलग अलग, तीन चार हॉस्टल है, बॉयज़ के लिए अलग है, गर्ल्स के लिए अलग है, पीजी के लिए अलग हॉस्टल है, इंटर्न्स के लिए अलग हॉस्टल है, उसके बाद बोल सकते हो रेसिडेंट डॉक्टर्स के लिए अलग हॉस्टल है। कैंपस बहुत ही ज़्यादा स्कैटर्ड है डेफिनेटली, पर और उसके बाद सारे बिल्डिंग्स है, मतलब लाइक ऑडिटोरियम भी अलग से है, डिपार्टमेंट्स भी है अलग से, हॉस्पिटल भी अलग से है बड़े, मतलब हॉस्पिटल का कॉम्प्लेक्स भी अभी तो एक है, आई थिंक दो भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम एमसी की बात करें तो एमसी ऑल्सो लाइक सिमिलरली हैज अ वेरी बिग कैंपस, पेशेंट रोड भी अच्छा है, ऑलमोस्ट सारे उस साइड में अपर असम में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो लोग एमसी को ही प्रीफर करते हैं, बिकॉज इट इज़ द बेस्ट मेडिकल कॉलेज देयर आफ्टर जीएमसी। और उसके बाद एसएमसी को प्रीफर किया जाता है बिकॉज एसएमसी इज़ एन वेरी ओल्ड कॉलेज और उसमें भी सारे लाइक पेशेंट लोड बहुत ही ज़्यादा है, बाराकबेली मतलब आई थिंक सेकेंड मोस्ट पेशेंट लोड एसएमसी में ही है। डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर ओल्ड है पर उसमें भी इंप्रूवमेंट्स किया जाता है, लाइक सारे लाइक वो हॉस्टल भी अवेलेबल है लेकिन डेफिनेटली ओल्ड है हॉस्टल्स। पर उसके बाद नए हॉस्टल्स भी बने हुए हैं काफ़ी सारे, कैंसर हॉस्पिटल भी बना हुआ है और लाइक कैंपस भी एक है, वो दैट इज़ द इंपॉर्टेंट थिंग। एएमसी और एसएमसी का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है जो जीएमसी में नहीं है, ठीक है। जीएमसी का जो कैंपस है इट इज़ वेरी लाइक वेरी स्कैटर्ड, लाइक कॉलेज कहाँ है, हॉस्टल कहाँ है, इट्स लाइक फार अवे, तुम्हें ट्रैवल करना होगा बस से या बाइक से या पिलियन में, मतलब लाइक किसी को पूछना होगा ट्रैवल करने के लिए, इफ यू डोंट हैव साइकिल भी यूज़ करना होगा फर्स्ट ईयर में जाके, वैसे भी ऑटोमोबाइल नहीं रख सकते हैं, अलाउड नहीं है, और लाइक जिसकी वजह से क्या होता है कि जीएमसी में थोड़ा ट्रैवलिंग का प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभी, लेकिन और पहाड़ भी है इसीलिए लाइक अप डाउन है, समझ में आ ही रहा होगा क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, बट दिस इज़ अ प्राइस यू पे फॉर गोइंग टू द बेस्ट कॉलेज। और एएमसी में क्या है कि एएमसी में एक लाइक जो कैंपस है वो इट इज़ क्या बोल सकते हैं उसे, एक कैंपस है, ठीक है, एक कैंपस है जिसकी वजह से दिक्कत नहीं होता। डेफिनेटली कहीं पर भी किसी कॉलेज में अगर एक कैंपस होगा देन प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग लाइक ट्रांसपोर्टेशन और कुछ भी मतलब लाइक वो कम होंगे और उसमें कंफर्ट भी ज़्यादा रहेगा बिकॉज एक कैंपस में सारा सब कुछ चीज़ें हैं। एसएमसी में भी एक ही कैंपस है जिसकी वजह से ज़्यादा दिक्कत नहीं होता, सारे पैरामेडिकल, बीएससी नर्सिंग, बीएमएलटी, उसके बाद डी फार्मा, इन सबके लिए भी मतलब एक ही कैंपस में सब कुछ है, एग्जामिनेशन हॉल, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, हॉस्पिटल, सारे डिपार्टमेंट्स, एवरीथिंग इज़ देयर इन द वन कैंपस ओनली। उसके पास ही लाइक गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज जो है वो भी लोकेटेड है, इसीलिए सब कुछ पता चल गया होगा। उसके बाद जीएमसी में हाँ प्रॉपर कैंपस नहीं, इसमें बड़ा कैंपस है, एमसी का कैंपस एसएमसी से भी ज्यादा बड़ा है, पर एसएमसी का भी बहुत अच्छा कैंपस है। अगर कैंपस की बात करें हम, जोरहाट का कैंपस छोटा है। अब देखो कुछ लोग क्या होता है कि एसएमसी या जेएमसी को चूज करते हैं, पर डेफिनेटली आप लोगों को मैं बता दूंगा, इट इज योर चॉइस, ऑलराइट, तुम अपना जो तुम्हारा बेनिफिट के हिसाब से देख लेना कि कौन सा कॉलेज लेना है, ठीक है। डेफिनेटली एसएमसी इज द ओल्ड कॉलेज, एमसी इज़ ए रिलेटिवली न्यू वन अगर हम कंपेयर करें, सिलचर टाउन में है, ये जोरहाट टाउन में है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर ओल्ड है, इसका बेटर है, मतलब न्यू है ज़्यादातर, हॉस्टल भी लाइक काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, मोस्ट ऑफ द हॉस्टल्स आर न्यू, और कैंपस छोटा है डेफिनेटली, और इसका कैंपस बड़ा है, पर इट इज़ लाइक ए रियली मतलब लाइक क्या बोलते हैं उसे, लेजरली कैंपस या एस्थेटिक कैंपस बोल सकते हो जोरहाट का जो है। एसएमसी का लाइक इट्स मोर लाइक ए वर्किंग प्लेस, मतलब वर्कलोड ज़्यादा है, लोग आते रहते हैं, एवरी लाइक इट्स लाइक वेरी पब्लिक प्लेस, वेरी मच एक्सपोजर, लाइक वेरी मच पीपल आर इंटररिलेटेड विद ईच अदर। जोरहाट में यू कैन हैव ए रियली लाइक मतलब तुम्हारा एक लाइफ तुम रह सकते हो, सो डिपेंड्स ऑन योर होम टाउन यू चूज योर कॉलेज एज वेल, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। टीएमसी और एफएमसी में मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहूँगा, तेजपुर और बरपेटा, ये तेजपुर में है, ये बरपेटा में है, मोटे मोटे तरीके से जो फैक्ट तुम्हारे लिए ज़्यादा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर टाउन है, एकदम ही मतलब लाइक हिल के करीब लोकेटेड है, अरुणाचल प्रदेश के एकदम ही लाइक पास है, डायरेक्ट रोड है यहाँ से अरुणाचल प्रदेश में, तुम डायरेक्टली तवांग जा सकते हो, ठीक है, तवांग ईटानगर ये सब मतलब पास पड़ते हैं, ठीक है। सो और भूटान भी तुम जा सकते हो इधर से, सो ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, गुवाहाटी भी आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होता है, नौगांव भी, नौगांव से भी डायरेक्ट रूट है इसका, सो मेनी पीपल प्रेफर इट बिकॉज इट्स लाइक वेरी ब्यूटीफुल। बरपेटा जो है इट्स लोकेटेड सेंट्रली, सेंटर ऑफ आसाम में है, सो यहाँ से मतलब लाइक कहीं पर भी ट्रेवल करना, आसाम मतलब आसाम के किसी भी इलाके में जाना यहाँ से ईजी हो जाता है, और गुवाहाटी भी बहुत ज़्यादा पास है बरपेटा के। डिफू जो है, डिफू हिल टाउन है, ठीक है, सो जो लोग मैक्सिमम जो लोग अरबी एंगलोंग में रहते हैं वो लोग ही ये डिफू मेडिकल कॉलेज को चूज़ करते हैं, पर डेफिनेटली यू कैन ऑल्सो चूज इट इन हिल टाउन, पर थोड़ा बहुत डेफिनेटली हिल्स में जो प्रॉब्लम्स होते हैं लाइक रिगार्डिंग कनेक्टिविटी, रिगार्डिंग वाटर, रिगार्डिंग ये सब, सो ये सब होता रहता है, पर नथिंग लाइक ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिकॉज आफ्टर ऑल डिफू रिलेटिवली बाकी सारे कॉलेजेस से तो ओल्ड ही है, लखीमपुर, धुबरी ये सब भी ऑलमोस्ट इक्वल लेवलिंग में आते हैं अगर हम डिफू मेडिकल कॉलेज के कंपैरिजन में बोले, बिकॉज डिफू मेडिकल कॉलेज 2019 में एस्टैब्लिश हुआ था, लखीमपुर 2020 में, धुबरी 2021 में, इन सब में ऑलरेडी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, मतलब ऑलमोस्ट थर्ड ईयर तक हो गए हैं, उसके ऊपर बैचेस हैं, ठीक है। उसके बाद नौगांव और नलबाड़ी, ये लोग देखो, ये
ये जो कॉलेजेस है अकॉर्डिंग टू तुम ये भी देख सकते हो कि तुम्हें टाउन में जाना है, मतलब सिटी में रहना है या लाइक प्लेन्स में रहना है, इसके अकॉर्डिंग भी तुम देख सकते हो कि तुम्हें कैसे लाइक चूज़ करना है। उसके बाद तुम ये भी देख सकते हो तुम्हारे घर के पास है क्या नहीं, अगर तुम डिब्रूगढ़ में रहते हो या तिनसुकिया में रहते हो और तुम्हें लखीमपुर मिल रहा है, डेफिनेटली यू कैन टेक लखीमपुर, तुम्हारे घर के पास रहेगा। नौगांव और नालबड़ी, नौगांव नालबड़ी लाइक हाँ प्रीफर किया जाता है डेफिनेटली, बिकॉज नौगांव नौगांव टाउन में है, नौगांव टाउन बहुत बड़ा है और इट्स लाइक इकोनॉमिक हब। नालबड़ी भी मतलब लाइक टाउन टाउन से दूर है डेफिनेटली, पर लाइक इट्स न्यू कॉलेज, प्रिटी मतलब ऑलमोस्ट सब हॉस्टल्स वोस्टल्स है, लेकिन सारे फैसिलिटीज अभी तक अप नहीं हुए हैं जिसकी वजह से समझ लेना ठीक है। कोकराझार और तिनसुकिया, यहाँ तिनसुकिया तो डेफिनेटली न्यू कॉलेज है। कोकराझार में एक चीज़ अच्छा है कि लाइक और बाकी जो नए मेडिकल कॉलेजेस लास्ट ईयर तीन जो नए खुले थे उसमें ये चीज़ है कि हॉस्टल्स बहुत अच्छे दिए गए हैं और जो सिंगल रूम है वो दिया जा रहा है फर्स्ट ईयर्स को। पर अभी ये जो डिसीजन है सिंगल रूम देने का ये मोस्ट प्रोबेबली चेंज हो सकता है, बिकॉज क्या होता है ना कि लाइक अब तुम्हारे कॉलेजेस में नए नए बैच जाएंगे उसके बाद तुम्हें भी जगह करना होगा डेफिनेटली। अभी और एक दो तीन बैचेस तक शायद वो लोग सिंगल रूम दे दे, पर उसके बाद फिर से वो डबल रूम वाला ट्रेंड शुरू हो जाए ठीक है। सो ये डिपेंड करता है, ये कोई फैक्टर नहीं है कॉलेज में कॉलेज लेने का, बस तुम्हें जानना चाहिए था इसलिए मैंने बता दिया। पर सबसे ज़्यादा वही बात है कि इट्स बेटर टू गो एंड विजिट द कॉलेज एंड देन यू डिसाइड व्हिच कॉलेज यू वांट टू टेक। वैसे भी सारे कॉलेजेस पास पास ही है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर तुम सिलचर से डिब्रूगढ़ जाना चाहते हो डेढ़ दिन लगता है, जाके देख के आओ कॉलेज फिर चूज़ करना कौन सा चूज़ करना है। अब देखो चॉइस फिलिंग ऑर्डर जो है वो मैं बता देता हूँ मेरे अकॉर्डिंग। सबसे पहले तुम्हें जीएमसी रखना चाहिए, मतलब ये देखो ये रिलेटिव है सबके लिए, पर मैं अपने हिसाब से एक बता रहा हूँ, जीएमसी उसके बाद एएमसी उसके बाद जीएमसी और एसएमसी में से तुम अपना प्रेफरेंस से चूज़ कर लेना तुम्हें कौन सा प्रायोरिटी तुम्हें रखना है, पेशेंट लोड रखना है या बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर रखना है या तुम्हारा घर के पास वाला रखना है या नहीं। टीएमसी और एफएमसी में भी तुम प्रीफर कर लेना कि तुम्हें लाइक कनेक्टिविटी चाहिए या सेंटर ऑफ द आसाम चाहिए। उसके बाद डीएमसी एलएमसी धुबड़ी इनमें भी तुम प्रीफर कर लेना, नौगांव नालबड़ी में भी तुम देख लेना ठीक है। पर ये जो ग्रेटर देन है ये ग्रेटर देन रहना चाहिए, कोकराझार और तिनसुकिया में भी देख लेना। अब अगर देखो अगर तुम्हारा घर तिनसुकिया में है और तुम बहुत ज़्यादा होमसिक हो और तुम्हें डिफूल नहीं लेना है तो तुम इधर तिनसुकिया को रख सकते हो, अगर तुम्हारा कोकराझार में है घर तुम इधर इसको रख सकते हो ठीक है। पर ये जो ऊपर का ऑर्डर है ना ये चेंज नहीं होना चाहिए, ये सब मतलब ये सब ही मतलब लाइक अगर तुम ओल्डेस्ट कॉलेजेस में नहीं जा रहे हो देन यू आर लूजिंग योर अपॉर्चुनिटी, इट्स बेटर टू लाइक गो टू द ओल्ड कॉलेज बिकॉज डेफिनेटली तुम्हारा जो वो है ना क्या बोलते हैं उसे पढ़ाई का जो वो है वो इट मैटर्स ऑल राइट, इसलिए कॉलेज मैटर करता है। अब देखो सब ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, अब यही था इस वीडियो में इन चीज़ों के बारे में। सो देख लेना वीडियो को और अच्छे से, और अगर कोई डाउट हो तो बता देना, डेफिनेटली आई विल रिस्पॉन्ड। टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लेना, इट इज़ जावास्तोफिक, सो दिस इज जावास्तोफिक साइनिंग ऑफ।